आरोही अग्रवाल BBF टीम से। यहाँ पे हम एक बाबा जी दिखे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। हमारी टीम आई है उनके घर पे, तो चलते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी परेशानी दूर करते हैं। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते नमस्ते। नाम क्या है आपका? धर्मेश। धर्मेश जी, कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार में डोशी है, एक दुहा है बस। मम्मी पापा? अच्छा, दादी जी और बाबा जी है। और आपके बच्चे वगैरह? बीवी नहीं है। कुछ नहीं। शादी नहीं करी ना। क्यों नहीं? मेरे को कौन दिए हुए? तो ये जो आपको दोनों आंखों से है बाबा जी की? हाँ। एक आंख से? दोनों। तो ये कब से हुआ? 6 वर्ष की उम्र में। आपकी 6 साल की उम्र थी? अच्छा, ऐसा क्यों हो गया? कुछ हुआ था? होली माता बोलते है ना, होली माता जी। हाँ जी, वो पता रहता। अच्छा, तो फिर आपने कैसे किया बाकी सब पढ़ाई वगैरह? चौथा में आए ना जी, नपास हो गया ना। अच्छा, फेल हो गए थे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैं तो स्कूल छोड़ दिया। मैंने स्कूल छोड़ दिया फेल होने के बाद। हाँ। चौथी में जब आए थे फिर आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आपने फिर क्या किया उसके बाद? तो कुछ नहीं, मैं भजन कीर्तन करता हूँ बस। भजन कीर्तन करते हैं? हाँ। तो जाते हैं करने भजन कीर्तन? हाँ। कहीं पे? हाँ। तो क्या क्या कुछ पैसा देते हैं वहाँ पे? मिले, करते? मिले मिलते। हाँ। मिलता है? कितना देते हैं? मिले 50-100 ऐसा दे। अच्छा, मंदिर वगैरह में जाते हैं? मंदिर में जाते हैं भजन कीर्तन करने उसके बाद। हाँ। से चौथी के बाद से। हाँ। तो पैसा देते हैं 50-100 वगैरह जो भी है। तो आपने जो आँख का आपको जो दिक्कत हुई है तो आपने दिखाया डॉक्टर को? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था। तो क्या बोला उन्होंने? ये सर्टी है ना मेरे पास, सिविल की सर्टिफिकेट। हाँ। क्या बोला फिर उन्होंने? एक नहीं दिखा जाएगा ऐसा ही बोला था। नहीं ठीक होगा बोला। अच्छा, ऐसा बोला डॉक्टर? हाँ, हाँ। तो कोई चांसेस नहीं है बोले ठीक होने के? नहीं। ये आपके की बोलता है ना? गोली? हाँ। गोली? हाँ, वो सुखा गई है इसलिए। अच्छा, वो सूख गई है? अगर वो नहीं सूखती तो वो ठीक हो जाती। हाँ, हाँ। तो कितने टाइम दिखाया आपने, कितने टाइम बाद दिखाया डॉक्टर को? तुरंत जब आपकी प्रॉब्लम आई थी? हाँ, तुरंत दिखाया था। तो नहीं हो पाएगा बोले उन्होंने? नहीं। तो घर खर्च कैसे चलता है? कागज बीनती है। अच्छा, माँ जी कागज बीनते? कागज बीन के ला के हमको खिलाती है। कागज बीन के खिलाते हैं? और आप तो कुछ काम कर सकते नहीं आँख होने की वजह से, तो इसलिए माँ जी को जाना पड़ता है कागज बीनने के लिए। बहुत तकलीफ होती होगी ऐसे में तो, बहुत ज्यादा। कितने साल किया भजन कीर्तन का जो काम बोल रहे हैं आप? अभी तो नहीं चलता। नहीं ना, अब नहीं चलता ना। पहले चलता था। हाँ। 5-6 साल किया आपने? हाँ। भजन कीर्तन का काम किया तब घर खर्च चल जाता था? हाँ। मतलब 5-6 साल इन्होंने भजन कीर्तन करके अपना गुजारा किया, उसके बाद कहना है उनका फिर कोई भी नहीं रखा उन्हें, उनका घर खर्च नहीं चलता था, तो माँ जी को, उनकी माँ जी को जाना पड़ता है अभी कागज वागज बीनने, कागज वगैरह बीनने जाते हैं। तो उनकी मतलब देख सकते हैं हालत इतनी खराब है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आँख ना होने के वजह से उनका। आप तो करना चाह रहे हो कुछ ना कुछ काम, है ना? पर आँख ना होने की वजह से वो मजबूर है कि कुछ भी कर नहीं सकते, वो चाह के भी मम्मी पापा की हेल्प नहीं कर सकते, उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकते। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, वो तकलीफ में है। वो अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि काश मेरी आंखें होती तो आज मेरे मम्मी पापा को काम ना करना पड़ता। तो अम्मा जी इस उम्र में, वो क्या उम्र होगी अम्मा जी आपकी? 70 साल हो गए। 70 साल की उम्र में आप देख सकते हैं अम्मा जी कागज बीनने जाते हैं और उनका घर चलाते हैं, और उनका कहना है कि घर भी नहीं चल पाता उनका, ये सब इतना कुछ कमाने के बाद बावजूद भी 50-100 में फ्रेंड्स क्या चल सकता है घर खर्च, और वो कागज बीनने में कितना कमा लेते होंगे, 30-40 रुपए, मतलब राशन भी ठीक से नहीं आ पाता होगा इसमें। तो आप ये बताइए कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हमने देखा आपको तो आप चल रहे थे सड़क पे, आपकी आंखें नहीं थी तो हमें लगा कि आपको जरूरत है। हमारी टीम है ना BBF टीम है, ब्राउन बॉय फिटनेस के नाम से है, तो हमारी जरूरतमंद की मदद करती है हमारी टीम जो है, जो जिन्हें आँख से दिखाई नहीं देता, जो अपंग है, विकलांग है, जिन्हें बहुत तकलीफ है, परेशानी है, और जो मेहनत कर तो रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा ना होने वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारी टीम ऐसे लोगों की मदद करती है। तो हमने देखा आपको, हमें लगा कि आपको मदद की जरूरत है, तो हम हमारी टीम आपकी क्या मदद कर सकती है जो आपकी मदद हो जाए, आपको परेशानी ना उठानी पड़े। बताइए आपको क्या मदद की जरूरत है। ठंडी लग रही है आपको? ओढ़ लो अम्मा जी, कुछ ला दो, ओढ़ लेंगे।
चद्दर वगैरह दे दो, सॉल वगैरह दे दो, ओढ़ लेंगे, ठंडी लग रही है इनको, ठंडी लग रही है, कांप रहे हैं आप, ला रहे हैं, लाइए मैं उड़ा देती हूँ। तो जैकेट पहन के क्यों नहीं जाते हो बाहर, ऐसे क्यों घूमते हो? हवा में ऊपर आया ना। हाँ तो ऐसे मत जाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, ठीक लगा अभी? हाँ। और घर पे है खाने पीने के लिए राशन वगैरह? है खाने पीने का तो ये मैंने बोला ना, माँ जी कागज बिन के ला के बेचे और फिर हम खाने खाएंगे। अच्छा ऐसा, वो अगर एक दिन भी ना जाए तो फिर खाना खाना मुश्किल है उस दिन, ऐसा? हाँ। उनका कहना है कि खाना जब माँ जी कागज बीनने जाएंगे तभी घर में खाना बनेगा, और जिस दिन नहीं गए तो उनके घर पे खाना ही नहीं बनेगा। तो राशन वासन है घर पे? राशन है घर पे? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम डलवा दे राशन वगैरह आपका? हाँ। डलवा दे? हाँ। तो चलते हमें कुछ राशन दिलाते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि बीबीएफ टीम होने के बाद घर में खाना ना बने किसी गरीब पे, और ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हमारी टीम ऐसा देख नहीं सकती। तो आ जाइए हमारी टीम, इनको खाना आज अच्छा खाना बनेगा। हाँ, है ना? हाँ। घर पे आज बढ़िया सा खाना बनेगा और अम्मा जी बना के खिलाएंगी। हाँ, ठीक है। हाँ, चले दोस्तों आइए चलते हैं इनके राशन लेने के। ठीक है, आ रहे हैं हम। हाँ, राशन लेंगे, है ना माँ जी? राशन लेके आते हैं दोस्तों। ये हमारा राशन आ गया है, तो भैया जी के घर पे रखवा देते हैं। काफी भारी है ये। आपका राशन आ गया बाबा जी। ठीक है, ये मुरमुरा की दो पैकेट लाए हैं, और ये दाल लाए बनाने के लिए। ठीक है, ये चावल है, ये मसाले हैं, ये गाठिया है आपके नाश्ते के लिए, और ये शक्कर है, ये एक और दाल है, नमक है और मसाले भी हैं, तेल है ये आपका खाना बनाने के लिए, और ये आटा है, ये आटा है। ठीक है, ये आपका पूरा राशन आ गया। अच्छा, ये आपका राशन ला दिए हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारी टीम होते हुए आप भूखे कैसे रह सकते हैं बाबा जी, बताइए, है ना? हमारी बीबीएफ टीम मदद करती, कभी भूखे नहीं रहने देती कभी किसी को। ठीक है ठीक है, तो इसीलिए आपको राशन ला के दे दिया है। आराम से आज बनाइए और खाइए। ठीक है अम्मा जी, बनाइए आज आराम से और सबको खिलाइए बना के। आज आपको, आज गए नहीं ना, आपका कहना था कि आज गए नहीं मैं कचरा के लिए, वो कागज बीनने जो जाते हैं, तो आज आप बोले मैं कैसे रहूंगी करके, आज भैया जी बता रहे खाना नहीं बनाया करके, तो फिर इसीलिए हमने बोला कि राशन आपको दे देते हैं ताकि आपको भूखे न रहना पड़े। अब ये बढ़िया हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? और नहीं नहीं, और नहीं, कोई कमी तो नहीं है ना? कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कोई मदद की जरूरत? कष्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। चलो अच्छा, अभी आप खुश हो ना? हाँ खुश, भगवान तो मेरा भला करेगा, उम्र बहुत मेहनत करी है तुमने। जी जी बिल्कुल, इसलिए हम तुमको नमस्कार में बोलता हूँ। जी जी बिल्कुल, आपको भी नमस्कार, नमस्ते, और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि मतलब दोनों आग जाने के बाद भी आप इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और तकलीफ में से जी रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाबा जी बहुत खुश हैं, और उनके उनका कहना था घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, और आज हमारे घर खाना नहीं बनेगा, तो बीबीएफ टीम होते हुए भूखे कोई भी परिवार भूखे कैसे सो सकता है, तो हमने जाके तुरंत हमारी टीम ने जाके उनके लिए राशन लेके आए हैं, और आज उनके घर में फाइनली खाना बनेगा, और सारे मामा जी का कहना है सबको बना के खिलाऊंगी आराम से, तो तकलीफ नहीं होगी। और तो फिर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, फटाफट उठाइए और बटन दबाइए हमारे सब्सक्राइब का, और पास में होती है जो बेल घंटी उसको भी दबाइएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन हो मिलते रहेंगे, और हमारे इंस्टा पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पे भी आपको अगर मदद करनी है सपोर्ट करिएगा, मदद भी कर सकते हैं आके यहाँ पे, और हमारी टीम को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हुए।